हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका मेरी कक्षा में स्वागत। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बर्नौली की प्रमेय का सत्यापन। इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको बर्नौली प्रमेय बताया था और मैंने कहा था कि बर्नौली प्रमेय बहते हुए द्रव के लिए अप्लाई होती है कि जो बहने वाला द्रव है उस द्रव में उस द्रव के मार्ग के प्रति एकांक आयतन पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको दाब ऊर्जा बहते हुए द्रव की प्रत्येक बिंदु पर और एकांक आयतन पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा निकाल के बताई थी। बर्नौली ने कहा, बर्नौली ने जो प्रमेय दी थी, एक बार पुनः हम उसको पढ़ेंगे कि बर्नौली ने कहा कि जब कोई असंपीड्य एवं आशयन द्रव किसी धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर और एकांक आयतन पर, प्रत्येक बिंदु के एकांक आयतन पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वह नियत होता है। अर्थात कि जब कोई असंपीड्य एवं आशयन द्रव इसी धारावाही जो नली है, किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है, माना जो नली है वो नली का जो क्षेत्रफल है वो असमान है, एक साइड क्षेत्रफल इसका ज्यादा एवं और दूसरे साइड इसका क्षेत्रफल कम ए टू। ठीक है, तो जब असंपीड्य एवं आशयन द्रव धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु के लिए जो एकांक आयतन पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, नियत होता है। जब धारा रेखीय प्रवाह किसमें हो रहा हो, असमान जो उसका ऐसी नली में प्रवाहित हो रहा हो जिसका जो क्षेत्रफल है वो असमान हो, जो प्रक्षेपीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल है वो असमान है, माना सबको यहां पर ए वन है, यहां पर क्षेत्रफल क्या है ए टू है और धारा रेखीय प्रवाह एक्स वाई धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है जिसकी क्षैतिज स्थिति एच वन तथा क्षैतिज से स्थिति जो हो जाएगी वो क्या है एच वन और दूसरे साइड जो वाई है यहां पर क्षेत्रफल ए टू है उसकी स्थिति क्षैतिज से एच टू है। ठीक है, तो यहां पर जो इस धारा रेखीय प्रवाह के मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन के लिए दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का योग नियत रहता है। ये बर्नौली ने कहा, बर्नौली ने कहा कि जो दाब और स्थित ऊर्जा है, दाब प्लस रो जी एच, इसको कहेंगे स्थैतिक प्रेशर, स्थैतिक दाब, स्थैतिक दाब और ये हो जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर, ये हो जाएगा गतिक दाब, काइनेटिक प्रेशर। तो दो प्रकार का जो प्रेशर है कि जब धारा रेखीय प्रवाह में जब असंपीड्य एवं आशयन द्रव किसी धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है तो उस पर दो प्रकार के दाब काम कर रहे हैं। ठीक है, स्थैतिक दाब और गतिक दाब। तो बच्चों, इसको हम किस तरीके से सिद्ध करेंगे कि जो बहता हुआ द्रव है वो बहता हुआ द्रव ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को क्या करता है, वह पालन करता है। बहते हुए द्रव, बर्नौली ने कहा कि जो बर्नौली ने जो प्रयोग दिया कि बहता हुआ जो द्रव है वो
ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पर क्या करता है, काम करता है। अब हम इसको इसकी उत्पत्ति करते हैं, प्रूफ करते हैं, उत्पत्ति प्रूफ। कि माना कोई धारा देखिए प्रवाह एक्स वाई मार्ग पर बह रहा है, एक्स वाई नदी में बह रहा है और जिसका क्षेत्रफल क्या है, असमान है। ठीक है, एक साइड क्षेत्रफल क्या है ए वन, जिसकी छत्तीस से दूरी एच वन, और दूसरे साइड जो है क्षेत्रफल क्या है ए टू, उसकी छत्तीस से जो है हाइट क्या है एच टू है। ठीक है, और इसके इस एक्स सिरे से एक सेकंड में प्रवेश करने पर जो द्रव का वेग होगा, ठीक है, मान सको यहां पर द्रव का वेग वी वन और यहां पर जो है y, एक सेकंड से y सिरे से निकलने वाले द्रव की जो का वेग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा v2। आप समझ रहे हैं, x सिरे से में प्रवेश करने वाले द्रव x सिरे में प्रवेश करने वाले द्रव का एक सेकंड में v1 तथा y सिरे से निकलने वाले द्रव का एक सेकंड में वेग v2 है। ठीक है, तो यहां पर जो एक सेकंड में एक्स सिरे से प्रवेश करने वाला जो द्रव है उस पर जो कितना बल काम करेगा, प्रति सेकंड एक सेकंड प्रति सेकंड में एक्स सिरे से प्रवेश करने वाले प्रति सेकंड में x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव पर बल, यहां पर कितना बल काम करेगा। मानो सपोज जो परिक्षेपीय क्षेत्रफल जहां पर a1 है वहां पर द्रव जो प्रवेश कर रहा है धारा रेखीय प्रवाह में प्रवेश होने के लिए जा रहा है वहां पर वेग v1 है और यहां पर दाब क्या हो जाएगा, सपोज p1 है तो यहां पर जो है और क्षेत्रफल आप देख रहे हैं a1 है, तो एक्स सिरे पर जो एक्स सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव पर जो बल हो जाएगा वो बल हो जाएगा F बराबर, क्योंकि आप जानते हैं P बराबर F अपॉन ए, प्रतिकांग क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ये हो जाएगा P1A1। ठीक है, क्लियर है। और एक सेकंड में मतलब प्रति सेकंड में एक्स सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य, ठीक है, एक सेकंड में एक्स सिरे से प्रवेश करने एक्स सिरे में एक सेकंड में एक्स सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य। अब हम कार्य निकाल रहे हैं और कार्य हो जाएगा बल गुणा गया विस्थापन, बल गुणा गया दूरी। कार्य वही होता है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको बल की दिशा में क्या करना, विस्थापित करना, वो कार्य कहलाता है। तो हम देख रहे हैं कि एक्स सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव पर जो किया गया कार्य है वो बल गुणा गया दूरी होगा। तो क्योंकि हमने निकाल रखा है बल हमारे पास है P1A1 इनटू दूरी क्या हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी V1। ठीक है, जो दूरी होगी वो दूरी के चाल बराबर दूरी बटा समय, क्योंकि आप जानते हैं चाल बराबर
दूरी बटा समय, क्योंकि हम निकाल रहे हैं चार मीन्स भी वन निकाल रहे हैं, यहां पर चार मानो समझ भी वन है, ठीक है। तो जो दूरी होगी ये दूरी हो जाएगा, दूरी बराबर समय क्या ले रहे हैं हम एक सेकेंड, तो दूरी बराबर भी वन, दूरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भी वन। तो ये हमारा निकल गया, आप समझ रहे हैं। उसी प्रकार से सिमिलरली वाई सिरे से एक सेकेंड में, एक सेकेंड में वाई सिरे से निकलने वाले द्रव पर किया गया कार्य बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा P2A2B2, ठीक है। समझ रहे हैं कि जो कार्य है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक्स सिरे पर जो कार्य किया गया, वाई सिरे पर भी कार्य वही करना पड़ेगा, बल बढ़ाइए विस्थापन, और क्योंकि वाई सिरे का क्षेत्रफल A2 है, वहां पर वेग V2 है, और वहां पर जो है दाब क्या हो जाएगा P2 है, वहां पर दाब क्या हो जाएगा P2। तो हमारा जो कार्य हो जाएगा बल गुणा गया विस्थापन, तो वहां पर भी जो हमने बल निकाला वो निकालेंगे P1 P2A2 × V2, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, वो कार्य हो जाएगा हमारा। अब धारा रेखीय प्रवाह में एक सेकंड में प्रवाहित करने में किया गया कुल कार्य, एक सेकंड में धारा रेखीय प्रवाह, एक सेकंड में धारा रेखीय प्रवाह में किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा, नेटवर्क जो हो जाएगा हमारा वो कार्य हो जाएगा P1A1V1 − P2A2V2, ये नेट कार्य हो जाएगा, ठीक है। जो किया गया, जो यहां से जो कार्य गया, यहां एक्सरे से किया गया कार्य, एक्सरे से धारा का मतलब द्रव का एक्सरे में प्रवेश करने पर किया गया जो कार्य होगा, और वाई सिरे से निकलने वाला एक सेकंड में एक्स सिरे में प्रवेश करने वाला द्रव में किया गया कार्य, और एक सेकंड में वाई सिरे से निकलने वाला जो किया गया जो कार्य का जो अंतर होगा वो क्या क्या निकलेगा, वो कुल किया गया एक सेकंड में धारा रेखीय प्रवाह में किया गया कुल कार्य निकलेगा। अब बच्चों, अब हमारे पास आता है, इससे पूर्व हमने क्या पढ़ा हुआ है आपको पता है कि हमने अविरतता का सिद्धांत आप जानते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, द्रव के अविरतता का जो सिद्धांत है, द्रव का अविरतता का सिद्धांत, जब कोई असंपीड्य एवं अशियन द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेदीय क्षेत्रफल में प्रवाहित वाली नलिका में प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, तो प्रवाहित करने पर उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्रफल और वेग का जो गुणनफल होता है वह नियत होता है, द्रव के अविरतता का सिद्धांत है। और चूंकि आप जानते हैं द्रव के अविरतता का सिद्धांत होता है A1V1 = A2V2, ठीक है, और जिसको हम क्या बोलते हैं m upon rho, ये आपका क्या हो गया आयतन, ठीक है, और आयतन हमारा जो है ये हो जाएगा हमारा आयतन हमारा A into V, तो द्रव के अविरतता का सिद्धांत हमारा A1V1 = A2V2, जिसको हम क्या लिखते हैं m upon rho, ठीक है। तो द्रव के अविरतता का सिद्धांत मैंने आपको बता दिया कि जब कोई असंपीड्य एवं अशियन द्रव किसी असमान क्षेत्रफल अनुप्रस्थीय क्षेत्रफल वाले नलिका में प्रवाहित किया जाता है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर, उस नलिका के प्रत्येक बिंदु पर और प्रत्येक बिंदु पर तो क्षेत्रफल और
वेग का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, नियत होता है। यही द्रव के अविरलता का सिद्धांत है। तो किसके अनुसार, द्रव के अविरलता का सिद्धांत, सिद्धांत के अनुसार, अनुसार हमारा ये निकल गया। ठीक है, अब बच्चों हम यहां पे इस समीकरण में रख देते हैं। इसलिए हमारा जो किया गया कुल कार्य द्रव प्रवाह में किया गया कुल कार्य इज इक्वल टू हो जाएगा P1 - P2 / m/ρ। ये क्लियर है। अब हम जो है दूसरी चीज हम निकालेंगे गतिज ऊर्जा। हम क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा निकालेंगे। एक्स सिरे से प्रवाहित होने वाले द्रव एक सेकंड में एक्स सिरे से प्रवाहित होने वाले द्रव, प्रवाहित होने वाले द्रव एक सेकंड में एक्स सिरे से प्रवाहित होने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा हमारी हो जाएगी ½ m v1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से एक सेकंड में वाई सिरे से, एक सेकंड में वाई सिरे से निकलने वाले वाले द्रव की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो गतिज ऊर्जा हमारे पास हो जाएगी कितनी, 1/2 m v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो गतिज ऊर्जा में, चूंकि आप देख रहे हैं कि वेग आप देख रहे हैं a1 is greater than a2 के और v2 is greater than v1 के। यहां पे जो है वेग यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां पर जो हम निकाल सकते हैं कि जो द्रव के प्रवाह में एक सेकंड में या प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाले द्रव की ऊर्जा में वृद्धि, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले द्रव, प्रवाहित होने वाले द्रव की ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है, प्रति सेकंड प्रवाहित गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी का स्क्वायर -1/2 m v1 की का स्क्वायर। तो यहां पर देखेंगे आप, ये हो जाएगा 1/2 m। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा v2 का स्क्वायर -v1 का स्क्वायर। ये हमारी क्या निकलेगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले द्रव की ऊर्जा में जो वृद्धि हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में की गति ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है, अब तीसरी चीज बच्चों हम निकालेंगे यहां पे। तीसरी चीज हमारा निकला, हमारा जो द्रव में किया गया कार्य भी निकल गया और गतिज ऊर्जा भी निकल गई। अगला हम निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि है यहां पे हम लिख लेते हैं, गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2 m v2 का स्क्वायर -v1 का स्क्वायर। ठीक है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। अब बच्चों इसको मैं मिटा रहा हूं, अब हम निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा, मतलब एक्स सिरे की स्थितिज ऊर्जा। हम अलग अलग सिरों की, चूंकि जो है द्रव का प्रवाह
किसमें हो रहा है? असमान अनुप्रस्थीय क्षेत्रफल से द्रव क्या हो रहा है? प्रवाहित किया जा रहा है धारा रेखीय प्रवाह में। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके जो है प्रत्येक बिंदु पर हम क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब हम निकालते हैं स्थितिज ऊर्जा। एक्स सिरे में एक सेकेंड में प्रवाहित एक्स सिरे में एक सेकेंड में प्रवाहित होने वाले द्रव की स्थितिज ऊर्जा। एक सेकेंड में जो है स्थितिज ऊर्जा माने यहां पे हाइट क्या है? 36 से h1 और क्षेत्रफल a1 है। तो यहां पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा आप जानते हैं क्योंकि द्रव्यमान यहां पर द्रव का द्रव्यमान क्या होगा? m g और क्या हो जाएगा? h m g h1। ठीक इसी प्रकार से y सिरे में एक सेकेंड में निकलने वाले द्रव की स्थितिज ऊर्जा। जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी m, ठीक है, gh2। क्लियर है? अब बच्चों जो चूंकि यहां पे हाइट ज्यादा है और यहां पे क्या है? हाइट कम है। अब देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, तो जहां पर हाइट ज्यादा होगी वहां पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होती है। और जहां पर हाइट कम है वहां पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अर्थात एक सेकेंड में धारा रेखीय प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह की स्थितिज ऊर्जा में कमी। जो कमी आ जाएगी बच्चों वो कमी हो जाएगी एम जी एच वन माइनस एम जी एच टू। तो ये हो जाएगा एम जी जो है हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा जी है ये जी कॉमन आ जाएगा, एम भी कॉमन आ जाएगा, तो जी एच वन माइनस एच टू। क्लियर है? अब बच्चों अब हम निकालते हैं कि जो कुल ऊर्जा में जो वृद्धि हम निकालेंगे कि जो है जो जो स्थिति गतिज ऊर्जा हमने निकाली और स्थिति ऊर्जा हमने निकाली वहां पर हम जो है बच्चों हमने देखो यहां पे गतिज ऊर्जा निकाली और यहां पे स्थिति ऊर्जा निकाली। गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई और स्थिति ऊर्जा में कमी हुई क्योंकि हाइट क्या है? जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा है वहां पर हाइट ज्यादा है, जहां पर क्षेत्रफल कम है वहां पर हाइट कम है। ठीक है? तो द्रव के नेट ऊर्जा में द्रव के प्रवाह में एक सेकेंड में द्रव के प्रवाह में द्रव की कुल ऊर्जा में एक सेकेंड में द्रव की कुल ऊर्जा नेट ऊर्जा ये हम निकालेंगे कि एक सेकेंड में द्रव की कुल ऊर्जा। जो कुल ऊर्जा हो जाएगी बच्चों ये हो जाएगी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? माइनस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा आप देख रहे हैं गतिज ऊर्जा हमारे पास है। गतिज ऊर्जा बच्चों हमारे पास हो जाएगा गतिज ऊर्जा हमने निकाल रखी 1/2 एम वी टू का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर और ये हो जाएगा एम जी एच वन माइनस एच टू। ठीक है? ये हो जाएगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं एम कॉमन आ गया।
क्या आ गया, m कॉमन हमारा आ गया दोनों में, आप देख रहे हैं। तो m कॉमन आकर के हम जो है ये हमारे जो है गतिज ऊर्जा में जो है क्या होगी, एक सेकंड में द्रव की कुल ऊर्जा। अब देखो कि द्रव पर एक सेकंड में किया गया जो कुल कार्य है, एक सेकंड में द्रव को धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित करने में जो कुल किया गया कार्य है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक सेकंड में द्रव को प्रवाहित करने में किए द्रव को प्रवाहित करने में जो जो कुल ऊर्जा होगी वो दोनों ऊर्जाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये बच्चों हमने इसमें निकाला, इसमें हमने देखा जो बर्नौली की जो थ्योरम है, बर्नौली की जो थ्योरम कहती है एक सेकंड में द्रव प्रवाह में किया गया कुल कार्य बराबर एक सेकंड में द्रव के प्रवाह में कुल ऊर्जा। तो आप देख सकते हैं कि जो द्रव कुल कार्य है, कुल कार्य कितना किया हमने, कुल कार्य हमने किया है P1 - P2 m/ρ, ठीक है, = ये हो जाएगा हमारा m, यहां पर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 v2 - v1 का स्क्वायर और माइनस m, तो हमने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा g h1 - h2, ठीक है बच्चों। जो एक सेकंड में द्रव के प्रवाह में किया गया कुल कार्य, एक सेकंड में द्रव के प्रवाह में किया गया कुल कार्य किसके बराबर हो जाएगा, एक सेकंड में द्रव के प्रवाह में जो कुल ऊर्जा प्राप्त हुई वो दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम इसको बराबर करते हैं तो m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच्चों अब हमारा देखिए P1 - P2, ये रो को का गुणा हम इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा रो का गुणा हम इधर करेंगे, ये m कॉमन यहां दोनों में आ गया था इस तरीके से, ठीक है। तो रो का गुणा हम देख रहे हैं यहां भी होगा 1/2 रो v2 - v1 का स्क्वायर और माइनस रो जी, यहां भी गुणा होगा h1 - h2, क्लियर है। इस तरीके से जो है ये हमने गुणा कर लिया। तो अब बच्चों हम इसको पूरा तरीके से करते हैं तो ये देखिए P1, ठीक है, और ये हो जाएगा, इसको खोल लेंगे तो ये देखिए ये माइनस का क्या हो जाएगा, इसको देखिए पूरा सॉल्व कैसे करते हैं, P1 - P2 = 1/2 रो v2 - v1 - ρg h1 - ρg h2। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसको पक्षांतर करेंगे, P1 वालों को इधर और P2 वालों को उधर हम ले जाएंगे। तो P1 के लिए हम देखेंगे P1 = यहां पे जो है हम इसको ऊपर करते हैं, P1 = जो हम यहां पे देखिए आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं, P1 जो वन वाला जो है इनको सब इधर लाइए, P1 ये बराबर से उधर है माइनस है तो इसको इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे प्लस में हो जाएगा, और रो V1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस रो जी एच वन बराबर P2 माइनस है उधर ले जाएंगे, P2 = ऋण है तो धन हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस रो या प्लस है रो जी एच टू। तो अर्थात आप देखेंगे कि यहां पर बर्नौली का प्रमेय दोनों सिरों के लिए, देखिए इधर जो है
यहाँ पर जो है वर्णादि का प्रमेय हमने सिद्ध किया तो हमारा जो निकल गया ये देखिए इधर ये दोनों क्या है नियत है। यहां पर मतलब जब कोई असंपीड्य अश्यम द्रव किसी धारावाहिक प्रवाह में या किसी नली में, और नली कैसे होनी चाहिए जो जिसका प्रक्षेपी क्षेत्र पर क्या हो असमान, उस प्रक्षेपी क्षेत्र में प्रवाहित किया जा रहा हो। जब कोई असंपीड्य अश्यम द्रव किसी असमान नली में धारावाहिक प्रवाह में क्या किया जा रहा हो प्रवाहित किया जा रहा हो तो उसके मार्ग उस मार्ग के प्रत्येक बिंदु के लिए एकांक आयतन पर दाब ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए नियत होना चाहिए। अर्थात जो हमारा एक्स सिरा है जहां पर परिक्षेपीय क्षेत्रफल ज्यादा है वहां पर दाब ऊर्जा दाब वहां पर पी वन है, गतिज ऊर्जा वहां पे 1/2 रो वी वन स्क्वायर है और वहां पर स्थितिज ऊर्जा क्या है रो जी एच वन है। तो यहां वो किसके बराबर होगी वाई सिरे जो दूसरा सिरा है जिसका क्षेत्रफल आप देख रहे हैं कम है वहां पर जो दाब ऊर्जा है गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो क्या होता है नियत होता है। तो अर्थात दोनों ओर चाहे एक्स सिरे से द्रव क्या हो रहा है प्रवाहित हो रहा है और वाई सिरे से द्रव क्या है निकल रहा है दोनों ओर जो दाब ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होगा वो क्या होगा नियत होगा। तो बच्चों अब एक कंडीशन इसमें है यदि हाइट h1 और h2 क्या है h1 इज इक्वल टू h2 हो जाएगा, यदि h1 और h2 क्या हो जाएंगे h1 बराबर h2 ये किसके है h के हो जाएगा। तो वहां पर यदि हाइट नहीं है तो धारा रेखीय प्रवाह किस तरीके से होगा सरल रेखा में होगा, इस तरीके से होगा इस तरीके से धारा रेखीय प्रवाह हुआ और वो जो है सरल रेखा में हो रहा है। तो वहां पर जो है क्या हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जो यदि h1 बराबर h2 के है h के है तो ये हमारे पास होगा ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रो वन प्लस हाफ रो वी वन का स्क्वायर इक्वल टू वन रो टू प्लस वन अपॉन टू रो वी टू का स्क्वायर होगा। ठीक है जब h1 बराबर क्या है h2 भी हो जाएगा किसके h। ठीक है तो बच्चों फाइनली हम कह सकते हैं कि जब कोई असंपीड्य अश्यम द्रव किसी असमान अनुप्रस्थीय क्षेत्र वाले धारा के प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु के लिए एकांक आयतन पर दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा नियत होता है। तो बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके समझ में ये बर्नौली थ्योरम को किस तरीके से सत्यापित किया जाता है वह आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।